तो गाइज आज है हमारी क्लास 21 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सूट का नाप हम किस तरह से लेते हैं। वैसे तो मैं अपनी पहले भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम किस तरह से जो है सूट का नाप लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है रिक्वेस्ट आ रही थी इस वाली वीडियो की, तो आज फिर से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है बॉडी से अपना मेजरमेंट लेते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे नाप लेने के होते हैं ना, वो दो तीन तरीके होते हैं, जैसे बॉडी से नाप लेना, सूट से नाप लेना, और एक हम चेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है अपने पूरा सूट बना सकते हैं। तो तीन चार तरीके होते हैं हमारे नाप लेने के, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को बॉडी से हम किस तरह से नाप लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कॉपी पेन लेना है और उसमें जो है आपको इस तरह से ऐसे लिख लेना है मेजरमेंट, हमारी जो लेंथ यानी कि लंबाई, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, बॉटम और शोल्डर टू वेस्ट, यानी कि शोल्डर से लेकर हमारी वेस्ट लाइन और शोल्डर से लेकर हमारी हिप लाइन। तो ये सब जो है आपको नोट कर लेना है ताकि जब आप नाप लें तो आप यहाँ पर जो है लिखते जाएं और उसको किस तरह से, एक तो हम नाप लेते हैं और फिर उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं और किस तरह से लेते हैं वो भी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। तो चलिए अब हम लोग जो है नाप लेना शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसका भी आप नाप लेंगे आपने उसको जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करना है, बिल्कुल भी मतलब टेढ़े ना खड़े हो वो, इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने उसे खड़ा करना है। और फिर हमने क्या करना है कि जो हमारी इंची टेप का शुरुआती हिस्सा होता है जहां से 1 2 3 स्टार्ट होता है वो हमने नीचे छोड़ना होता है और बाकी को हम इस तरह से जो हमारी यहाँ पर कंधी की सिलाई होती है ना वहां पर हम रखते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से हम रखते हैं। और आपने मतलब पूछते जाना है कि उन्हें कितनी लंबाई चाहिए और कितनी नहीं, तो जिसका मैं बना रही हूँ उन्हें मतलब इन्हें इतनी ही लंबाई चाहिए। तो देखिए यहां से हम इस तरह से ऐसे अपने इंची टेप को बिल्कुल इसके बराबर कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और अब ऊपर हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 42 इंच आ रहा है, ये जो हमारी कंधी की सिलाई होती है यहां तक हम नापेंगे, तो जो हमारी लंबाई है सूट की वो आ रही है यहाँ पर 42 इंच, ये देखिए, तो जी जो हमारे सूट की लंबाई है वो है 42 इंच। तो चलिए अब हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो जी हमारी जो लेंथ है यानी कि लंबाई सूट की वो आ रही है 42 इंच, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 42 इंच। अब जैसे जैसे मैं जो है नाप लेती जाऊंगी वैसे वैसे ही मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी ताकि हम बाद में भूले नहीं, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए आपने साथ के साथ ही लिखते जाना है। तो जी लेंथ के बाद अब जो है हम शोल्डर का नाप लेंगे यानी कि कंधी का। तो कंधी के नाप के लिए अगेन हमने जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करना है और ये देखिए ये आपका ऐसे गिरे नहीं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक इसे कर देना है इस तरह से। और अब जो है हम कंधी का नाप लेंगे यानी कि शोल्डर का। तो हमने क्या करना है, यहां से जो ये हमारी शोल्डर वाली सिलाई होती है ना, ये वाली जो हमारी सिलाई होती है यहां पर हम इस तरह से ऐसे अपना इंची टेप रखते हैं और इस तरह से जो है हमने यहां तक ऐसे नापना होता है। तो जी जो हमारी ये वाली सिलाई होती है जहां पर हम स्लीव्स अटैच करते हैं, हमने इस वाली सिलाई पर जो है अपना ऐसे इस तरह से ऐसे इंची टेप रखना होता है और दूसरे जो हमारा शोल्डर होता है वहां तक हमने इस तरह से ऐसे नापना होता है। तो देखिए जो इनका कंधी है वो आ रही है यहां पर 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो जी ये हो गया हमारा शोल्डर का नाप, ठीक है जी। तो अब चलिए इसे भी हम लोग लिख लेंगे और अब जो है शोल्डर के बाद जो है हम अपना चेस्ट का नाप लेते हैं। तो जी चेस्ट के नाप के लिए अगेन आपने जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा करेंगे और यू करके ऐसे हमने पीछे से अपना चोटी वगैरह जो भी होगी आपने अपनी ऊपर कर लेनी है और इस तरह से हम अपना जो है इंची टेप ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से हमने नापना है। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो चेस्ट है वो आ रहा है 37 इंच, ये देखिए 37 इंच आ रहा है इनका चेस्ट। तो जब भी हम ना बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसमें लूजिंग के लिए एड करते हैं, वो जब मैं भी आपको मतलब नाप लूंगी मतलब लिखूंगी जब मैं, तब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपने बिल्कुल फिक्स इस तरह से ऐसे नाप लेना है। तो जी जो इनकी चेस्ट है वो आ रही है 37 इंच। तो जी अब जो है हम वेस्ट का जो है नाप लेंगे। तो जो हमारी वेस्ट होती है वो जो हमारी चेस्ट से नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है, तो हम वहां का नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे हमने अगेन अपने इंची टेप को ऐसे पीछे से ऐसे लेना है घुमाकर और चेस्ट से जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको नापना है, ये देखिए इस तरह से। तो जी जो हमारी चेस्ट है सॉरी वेस्ट है वो आ रही है यहां पर 32.5 इंच, 32.5 इंच देख सकते हैं आप लोग, वो आ रही है हमारी 32.5 इंच यानी कि 32.5 इंच। तो जी अब हमने चेस्ट का नाप ले लिया है, वेस्ट का ले लिया है, अब हम अपने हिप
का नाप लेंगे, यानी कि जहां से जो हमारी ये स्लिट ओपन होती है ना वहां से हम अपने हिप का नाप लेते हैं। तो देखिए अगेन आपने मतलब ऐसे नीचे बैठ जाना है और इस तरह से ऐसे इंची रेट को घुमाना है और यहां से हम जो है हिप का नाप लेंगे। तो जो हमारी हिप है वो आ रही है यहां पर 40 इंच यानी कि 40 इंच। ठीक है जी, तो जो हमारी हिप है वो है 40 इंच। अब बारी आती है हमारे बॉटम की। तो जो हमारा बॉटम लोग मतलब इससे ज्यादा भी पसंद करते हैं, इससे कम भी पसंद करते हैं, बट इनको जो है इसी सूट के बराबर चाहिए, तो मैं इसी सूट के बराबर नापूंगी। ये देखिए यहां से अपने अपना इंची टेप को इस तरह से ऐसे पकड़ना है और इस तरह से हम जो है इसका नाप लेंगे बॉटम। तो जो इसका बॉटम है वो आ रहा है हमारा 22 इंच। ठीक है जी, तो जो हमारा इसका बॉटम है वो आ रहा है 22 इंच। तो जी जो हमारे सूट का बॉटम है वो रहेगा 22 इंच। तो जी हमारे बॉटम का नाप हो गया है। अब मैं आप लोगों को जो हम जहां पर हम वेस्ट लाइन रखते हैं और जहां पर हमारी हिप लाइन होती है, यानी कि जहां पर हमारी वेस्ट होती है और जहां से हम ये स्लिट खोलते हैं ना, ये हमारी हिप लाइन होती है, तो इनका नाप हम किस तरह से लेते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिये ये जो हमारी सिलाई होती है कंधे की, ये जो हमारी सिलाई होती है कंधी की, यहां पर हमने इस तरह से ऐसे इंची टेप रखना होता है और जहां पर हमने वेस्ट लाइन नापी थी ना, यानी कि हमारे चेस्ट से नीचे, तो वहां पर जो है हमारी करीबन 13, 13.5 या 14, 14.5 ज्यादातर, मतलब आपने 14 से ज्यादा नहीं रखना होता और 13 से कम नहीं रखनी होती अपनी वेस्ट लाइन। ठीक है जी, तो ज्यादातर लोगों की जो है इतनी ही आती है। तो आपने जो है 40, जैसे इनकी 14 इंच आ रही है, देख सकते हैं आप लोग चेस्ट से जस्ट नीचे इनका जो है 14 इंच आ रही है। तो जो हमारी इनकी वेस्ट लाइन है वो मैं 14 ले लूंगी। ठीक है जी, अब हम जो है हिप लाइन लेंगे। तो यहां से हमने अपनी हिप लाइन नापनी है, यानी कि जहां तक हमारी स्लिट ओपन है। तो इनकी जहां तक स्लिट ओपन है वो आप लोग देख सकते हैं, वो आ रहा है हमारा करीबन 20 इंच। ये देखिए, ये जो इनकी स्लिट ओपन है वो आ रहा है हमारा करीबन 20 इंच। ये देखिए इस तरह से, तो हम रखेंगे उसे 20 इंच। आप 21 भी रख सकते, अगर आपको ज्यादा मतलब स्लिट मतलब कम स्लिट खोलना पसंद है तो आप 21, 21.5 भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा स्लिट खोलनी है तो आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट जो इनका आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पर 20 इंच। तो जो हमारी हिप लाइन है वो हम रखेंगे 20 इंच। तो जी अब बारी आती है हमारी स्लीव की। तो स्लीव अगेन हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हाथ रखना होता है और जो ये हमारी शोल्डर वाली सिलाई होती है ना, ये वाली, इसको हम इस तरह से ऐसे रखते हैं और जितनी आपके कस्टमर को या आपको या जिसको भी जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी आप लेंथ ले लें। जैसे कि इनके स्लीव्स की जो लेंथ है वो आ रही है 17 इंच यानी कि 17 इंच। तो हम इस तरह से ऐसे नापते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब स्लीव्स के लिए हम जो है दो ही नाप लेते हैं और जो ये आ रहा है हमारा जो इनका स्लीव्स का बॉटम है वो आ रहा है करीबन 9.5 इंच। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग 10 इंच, 9.5 इंच, जितना आपको ढीला चाहिए उतना ढीला, जितना आपको मतलब टाइट चाहिए उतना टाइट आप ले सकते हैं। तो इनका मैं रख रही हूँ 10 इंच। ठीक है जी, और अब बारी आती है कि हम अपना आर्महोल कैसे निकालते हैं। तो जो हम अपना आर्महोल निकालते हैं वो जो हम सूट कट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है जी, तो जी अब बारी आती है हमारे नेक की। तो नेक का क्या हिसाब होता है कि नेक ना सब अलग अलग तरह से पहनते हैं। जैसे कि कोई अगर बोट नेक बनवा रहा है तो हमें उसकी चौड़ाई जो है ज्यादा रखनी होती है और उसकी लंबाई कम रखनी होती है, और कोई अगर नॉर्मल सिलवा रहा है तो जो हमारे नेक की चौड़ाई होती है ना वो हम हमेशा जो है 6 इंच की रखते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे मतलब जैसे कि 15 से अगर ऊपर आ रहा तो हम उसकी 6 ही रखेंगे। ये देखिए, और अगर कोई बहुत ही पतला और 15 से ऊपर भी है तो हम उसके ही अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन जो नॉर्मल होता है ना वो हम जो हमारी नेक की चौड़ाई होती है वो हम 6 ही रखते हैं, और जो लंबाई होती है वो मतलब इंसान के ऊपर उसके अकॉर्डिंग आप रखते हैं कि वो कितना पहनना चाहता है। तो देखिए जैसे कि इसकी जो है यहां से हम नापेंगे इस तरह से, तो हमारी करीबन ऐसे करने पर हमारी जो है 7.5 इंच आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जो इनकी सूट की जो इनके नेक की लंबाई है वो आ रही है हमारी 7.5 इंच या आप लोग इस तरह से। तो जो नेक का हिसाब होता है वो उसके ही अकॉर्डिंग होता है, जो आपसे सूट सिलवा रहा है आप उससे पूछ लें कि आप किस तरह से रखना मतलब किस तरह डीप आप पहनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रख सकते हैं। तो जी, तो गाइस नाप हमने ले लिया है, और अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि इनका भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है सबीना सैफी, और वहां पर ये जो है कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती है। तो आप लोग इनके चैनल को भी जरूर देखिएगा और उसे सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इनके चैनल का जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर चेक करिएगा।
तो जी यहाँ पर मैंने जो है सारे नाम लिख दिए हैं, जिस तरह से हमने बॉडी से सेम मेजरमेंट लिया था उसी को हमने सेम इस तरह से ऐसे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हम लूजिंग के लिए जो है इसमें ऐड करते हैं। हम चेस्ट, वेस्ट और हिप में हम हमेशा जो है 1.5 इंच या 2 इंच हमेशा ऐड करते हैं जब भी जो है बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं। तो यानी कि हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप में हम जब बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें 1.5 इंच या 2 इंच लूजिंग के लिए ये ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो हमने अपनी चेस्ट और वेस्ट और हिप में 1.5 इंच या 2 इंच ऐड करना है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा फिटिंग पहनते हैं तो आपने 1.5 इंच ऐड करना है, और अगर आप लोग हल्का सा लूज पहनते हैं तो आप लोग 2 इंच जो है ऐड करिएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब मैं जो है सबसे पहले ऐड कर देती हूँ और फिर मैं आप लोगों को नोट भी लिखवा दूंगी कि हमने क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। ठीक है जी, तो जो हमारी चेस्ट है उसमें भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, और जो हमारी वेस्ट है उसमें भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, और जो हमारी हिप है उसमें भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है जी, तो 37 में अगर हम 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो आएगा हमारा 38.5 इंच, और 32.5 में अगर हम 1.5 इंच यानी कि 32.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 34 इंच, और 40 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 41.5 इंच। ठीक है जी, अब एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा शोल्डर और जो हमारी बॉटम होती है, जो हमारा शोल्डर और हमारा बॉटम होता है उसको हम हमेशा जो है 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, शोल्डर और बॉटम को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, चेस्ट, वेस्ट और हिप को हम हमेशा जो है 4 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए ये वाला नोट भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है जी, नाप निकालते समय शोल्डर और बॉटम को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया नोट 1 और नोट 2। बाकी जो हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप होती है उसको हम हमेशा जो है 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम ये भी लिख लेते हैं कि जो हमारी चेस्ट, वेस्ट और हिप को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ये नोट जो है आप लोगों ने लिख लेने हैं, और या तो आपने मतलब हमेशा याद रखना है। अभी मैं इसको इरेज करूंगी क्योंकि मुझे आपको इसे मतलब निकालना बताना है, तो आप इसको लिख लीजिए या फिर आप इस तरह से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मैं इसको इरेज कर दूंगी। और अब जो है हम फिटिंग के नाप निकालेंगे। तो हमारी जो लेंथ होती है यानी कि लंबाई, उसको हम एज इट इज लेते हैं। जितना आपको जो है कस्टमर या जिसका भी आप सिल रहे हैं वो बोले कि जितनी हमें लेंथ चाहिए, आपने ना उसमें कुछ बढ़ाना है ना घटाना है, आपने उतनी ही रखनी है। ठीक है जी, तो जो हमारी लंबाई है उसको हम पूरा 42 इंच की रखेंगे। अब बारी आती है हमारे शोल्डर की। तो यानी कि जो हमारा शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच। तो जैसा कि मैंने अभी आपको नोट लिखवाया कि शोल्डर को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 7 14, 2 7 14। तो जो हमारा फिटिंग का नाप आया है वो आया है हमारा 7 इंच। तो जो हमारा शोल्डर आया है वो आया है हमारा यहाँ पर 7 इंच। ठीक है जी, और शोल्डर और बॉटम को हम 2 से करते हैं तो हम अपने बॉटम को भी सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आया है हमारा 22 इंच। तो 2 1 2 और 2 1 2 तो आया हमारा 11 इंच। तो जी, जो हमारा बॉटम है उसका फिटिंग का नाप आया है हमारा 11 इंच। ठीक है जी, शोल्डर और बॉटम में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं।
ठीक है जी, शोल्डर और बॉटम में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक जी, अब हमने अपना शोल्डर और बॉटम निकाल लिया है, अब जो है हम अपना चेस्ट, वेस्ट और हिप निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो अब जो हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पर 38.5 इंच, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 4 से। 38.5 इंच है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36, 38 - 36 आएगा हमारा 2, और 5 का हम 5 उतार लेंगे, और यहाँ पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, तो 4 6 हमारा हो जाएगा 24 इंच, तो 25 - 24 आएगा हमारा 1 इंच, तो जी पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा देंगे, तो आएगा हमारा 4 2 8, 10 - 8 आएगा हमारा 2 इंच, पॉइंट लगा हुआ है हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, 4 5 20, तो जी ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो जी जो हमारी चेस्ट निकल कर आई है वो आई है 9.625, यानी कि जो हमारी चेस्ट है वो आई है यहाँ पर 9.6, मान ले आप 6 मान ले, 9.65 या 6.25 आई है, जैसे कि हमारी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आपने घबराना नहीं कि ये तो इतना लंबा नंबर आ गया है, और अगर आप लोगों को डिवाइड करना नहीं आता है तो भी एक मतलब एक ये तरीका है, आप लोग उससे भी निकाल सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे कि ये हमारा इंची टेप है, ठीक है जी, जैसे बहुत लोगों को जो है डिवाइड करना नहीं आता होगा, और तो आप लोगों ने क्या, और इतना हम पॉइंट भी नहीं देखते हैं, इसे ना आप 9.5 भी कर सकते हैं, या फिर 9.6 कर दें, या 9.7 कर दें, जैसे कि ये आपका इंची टेप है, तो आप इसको जैसे ये हमारा 9.1 हो गया, 9.1 9.2 3 4 5 6, तो 9.6 रख लें, 9.7 रख लें, या 9.5 कर दें, तो भी इतना कुछ जो है मतलब मसला नहीं होगा, इतनी ज्यादा लूज या इतनी ज्यादा जो है टाइट आपकी कुर्ती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है तो आपने क्या करना है, जैसे कि ये हमारा 38.5 है, तो देखिए आपने 38.5 यानी कि 38.5, तो ये जो हमारा 38.5 है, आपने अपने इंची टेप को इस तरह से ऐसे जो है डबल फोल्ड करना है 38.5 पे, ये देखिए इस तरह से आपने इसको पहले डबल फोल्ड किया, अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे यहीं तक, ये देखिए इस तरह से। तो जी ये हमारा 4th फोल्ड हो गया, यानी कि ये हमारा 4 से डिवाइड हो गया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इंची टेप से ये कितना आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा है हमारा यहां तक, ये देखिए यहां तक आया है, तो ये हमारा करीबन आ रहा है 9.5 हमारी ये वाली लाइन है, और ये 9.6, तो ये करीबन हमारा इतना आ रहा है 9.6 इंच। तो देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है, जैसे मैंने ये बहुत लंबा डिवाइड करके यहाँ पे निकाला है, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं आता है तो आप इस तरह से ऐसे जो है इंची टेप को फोल्ड कर निकाल सकते हैं। तो जी जो हमारी चेस्ट आई है वो आई है 9.625, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से जो है हम अपना वेस्ट और हिप भी निकाल लेंगे, तो जी मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, ये देखिए। तो हमारी जो वेस्ट है वो है हमारी 34 इंच, तो 34 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 8 32, 34 - 32 यानी कि 2 इंच, पॉइंट लग जाएगा 0, और 4 5 20, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 8.5 इंच, ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है मैं आपको हिप का निकाल के नहीं दिखा रही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसी तरह से 4 से डिवाइड करके आपने जो है इसको भी निकाल लेना है। जो हमारी हिप है वो आएगी यहाँ पे 10.3, ठीक है जी, और आप इसे 9.6 भी लिख सकते हैं, 62.5 लिखने की जरूरत नहीं है, 9.6, और इसे आप 10.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जी ये हो गए हमारे सारे नाप, हम इस तरह से ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। और जो शोल्डर टू वेस्ट है वो मैंने आपको बताया ही है कि आप इसे 13 से कम ना रखें और 14 से ज्यादा ना रखें, ठीक है जी। और जो हमारी शोल्डर टू हिप होती है उसको आप 20 या 21 रख सकते हैं, ठीक है, 21 से आपने ज्यादा नहीं रखनी है, 20 से कम नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप 20 से कम रखेंगे तो आपका यहां से जो है आपका जो है टमी नजर आने लगेगा, और अगर आप 21 रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 21 से ज्यादा रख देंगे तो वो इस तरह से ऐसे बंद हो जाएगा, तो आपका ये जो आपका जो बैक पार्ट है वो बहुत नजर आने लगेगा, तो इसलिए जो है आप इसे 21 से ज्यादा ना रखें, 20 से कम ना रखें, और जो हमारी वेस्ट लाइन होती है उसको 14 या 13 हम रख सकते हैं, ठीक है जी। तो जी ये तो हो गया हमारा सूट का नाप, अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की, ठीक है जी। तो जो हमारी स्लीव्स की लेंथ थी वो थी हमारी 17 इंच, यानी कि स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स की जो हमारी लेंथ थी वो थी 17 इंच, 17 इंच, और जो हमारी स्लीव्स का बॉटम आ रहा था वो आ रहा था हमारा, हमने लेना था 10 इंच। तो जो हमारा
पूरा बॉटम आता है, लंबाई तो हम बराबर ही लेते हैं जितनी लेनी होती है हमें, और जो हमारा बॉटम होता है ना उसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 5 10, तो हमने 5 लेनी होती है जब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करके कट करते हैं तो, ठीक है जी। तो जी इस तरह से जो है हम अपने पूरे सूट का नाप लेते हैं। सूट का नाप लेके हम सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं वो सब जो है मैंने जो क्लासेस ली है आप लोगों के साथ उन सब में मैंने आप लोगों को मतलब बताया हुआ है, तो मैं अलग से आप लोगों को नहीं बताऊंगी। उन सब वीडियोस की जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है जी। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है nehafashionholic.09, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं मतलब बताने की कोशिश करूंगी। और गाइज जिनका मैंने अभी नाप लिया है उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मतलब उनके चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक और जो मेरे न्यू चैनल है। और थैंक यू सो मच मेरे नए वाले चैनल पर, आपने जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी मेरे जो न्यू चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक और जिनका मैंने अभी नाप लिया है उन तीनों का लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा और जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।